सारा काम निपट चुका है और मैं अब आई हूँ नहा धो के, सारे कपड़े धुल के, जल्दी जल्दी। कोई वीडियो मैंने शूट नहीं किया था और क्योंकि बज गए हैं, 1 बजने वाला है, तो जल्दी जल्दी से पूजा की तैयारी कर लेते हैं। आज शकट की है पूजा, तो आज मेरी संतोषी माता की भी पूजा है, वो भी मैंने नहीं की है क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। सारी धुलाई करो और सारा का झाड़ू पोछा धुलाई है, ऊपर से नीचे तक हमने किया है, और सारे कपड़े धुल के हैं, बच्चों को नहला दिया है, डोगी को नहला दिया है, सारा काम निपट चुका है। तो बच गए हैं 1, मैं भी साफ होगी, नहा धो के और तैयार हो चुकी हूँ, और मैं तैयारी करने जा रही हूँ। तो जल्दी से तैयार कर ले क्योंकि बच्चे व्रत नहीं रह पाते हैं, तो इसलिए मैं जल्दी करने की कोशिश करती हूँ, पर अब की ना बहुत ज़्यादा देर हो गई है, तो जल्दी से हम निपटा लेते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। मैंने पूजा कर ली है, तो आप सब लोग दर्शन कर लीजिए माता रानी के, और यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है। अब देखते हैं जल्दी से बच्चों के लिए क्या बनाती हूँ नाश्ते में। और मैंने कहा है कि ब्रेड और चाय पी लीजिए, तो बच्चे चाय और ब्रेड पी रहे हैं, खा रहे हैं, और मैं भी कुछ खा लेती हूँ क्योंकि सुबह से ने कुछ नहीं खाया है, मुझे सिर में दर्द होने लगा, तो मैं चाय पी लेती हूँ। चाय पी लीजिए अगर आके, और थोड़ा सा खा पी लेती हूँ, फिर बनाती हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। बच्चों का नाश्ता हो गया है, और क्योंकि अब उन्होंने भी ब्रेड और चाय खाया है क्योंकि बच्चे व्रत नहीं रह पाते हैं, और अब बनाऊंगी खाना दोपहर का, लंच। लंच क्या, पूरा खाना बना लूँगी, सब्जी पूड़ी है, यही सब बना लूँगी। यहाँ पर हम सब्जी लाए हैं, तो जल्दी से काट लेते हैं सब्जी को। और तो हमने सारा चीज़ें फ्राई कर लिया है, तो इसमें हमने फ्राई कर लिया है, पनीर है और गोभी है और सेम है और मशरूम है और पनीर है, तो और ये शिमला मिर्च है, ये हम फ्राई कर रहे हैं और सब्जी से बना लेते हैं, और फिर आटा गूंद लेते हैं चावल। Thank you.
कचौड़ी का आटा बनाया है वो सॉरी कचौड़ी के लिए बनाया है। तो ये मैंने आलू को मैश कर लिया है, इसे बॉईल कर लिया था और इसके में डाल दिया है मैंने हरी मिर्च डाल दिया है और लाल मिर्च डाल दिया है और इसमें अब हम जीरा डालेंगे तो वो भी हम भून के जीरा डालेंगे, तब हम इसमें जीरा डालेंगे ताकि इसकी ना सुगंध बहुत अच्छी लगती है। और इसमें धनिया की पत्ती डालेंगे नहीं क्योंकि बच्चों को, और हम जीरा को भून रहे हैं क्योंकि कचौड़ी में डालो ना जीरा भून के तो बहुत अच्छी बनती है और बहुत अच्छी खुशबू आती है, नहीं तो कच्चा जीरा डालो ना कच कच बोलता है। तो ये देखिए जीरा तो हम डाल देते हैं इसी में, और इसमें मैंने डाल दिया है हींग। अब इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी, कच्ची ना जीरा डालो तो वो कचौड़ी अच्छी नहीं बनती है। ये है कढ़ाई की सब्जी, मेरे बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, हो जाती है काली काली पर बहुत अच्छी लगे। और बच्चे धनिया की पत्ती नहीं डालने दे रहे पर इसमें डाल दो ना धनिया की पत्ती बहुत ही टेस्टी लगेगी। साड़ी चेंज कर दिए हैं क्योंकि मुझे खाना नहीं बना मिल रहा था ना कोई काम कर मिल रहा था, तो बस मेरा आटा है ये देखिए तैयार रखा है और सब्जी लगभग बन चुकी है। तो पूड़ी और कचौड़ी बनाएंगे और इसके बाद मुझे तिल और गुड़ को भी बनाना है और सारी तैयारी हो चुकी है तो चलते हैं जल्दी से बना। और अब हम गाय के लिए पूड़ी निकाल देते हैं जल्दी से और बच्चों को दे देते हैं, भूखे बहुत तेज़ है। मेरी पूड़ियाँ निकलने लगी हैं और जल्दी से हम गाय को दे देते हैं फिर बच्चों को देते हैं। गाय के लिए निकाला है गुड़ है और चना है गाय के लिए।